ग्रेटर नोएडा के थाना सूरजपुर इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक बदमाश को गोली लगने के बाद वह घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं दूसरा बदमाश फरार हो गया है, जिसको पकड़ने के लिए कॉम्बिंग की जा रही है। इन बदमाशों ने एक कैब चालक को घायल कर उसकी कैब लूट ली थी। बताया जा रहा है कि पुलिस की कार्यवाही में एक आरोपी गौतम चौहान गोली लगने से घायल हो गया था, उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसके साथ मौजूद दूसरा बदमाश मौके से फरार हो गया है, जिसकी तलाश के लिए कॉम्बिंग की जा रही है। आज दिनांक 20 सितंबर को जनपद गोल चक्कर के पास सूरजपुर थाना पुलिस टीम के द्वारा चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध कार आती हुई दिखाई दी। पुलिस टीम द्वारा उसे रोकने का इशारा किया गया, परंतु वह नहीं रुकी। पुलिस टीम द्वारा जब उसका पीछा किया गया तो उसमें सवार व्यक्तियों द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी और दूसरा व्यक्ति मौके का फायदा उठाकर भाग गया, जिसके लिए कॉम्बिंग की जा रही है। घायल बदमाश से जब पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम गौतम चौहान बताया, जो सूरतपुर का रहने वाला है। इसके द्वारा बताया गया कि 16 सितंबर को इसके द्वारा उबर वैगन आर चालक के साथ उसकी कार की लूट की घटना की गई थी। यह लूटी हुई कार इसके पास से बरामद हुई है। साथ ही इसके पास से एक अवैध तमंचा 315 बोर कार्टेज आज बरामद हुए हैं। अन्य विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए नोएडा से अमर सैनी की रिपोर्ट।